When at 7 p.m. at Arvind Kejriwal's residence, that's the timeline on your screen, ED officials arrive. It was a surprising move. And by 9 p.m., arrest. Atishi, the minister now left in charge, is speaking this morning. Let's listen in. चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। तभी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है, अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी आईआरएस की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों पे और सभी विपक्षी नेताओं पे हमले हो रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ केस बंद हो जाते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाने से मना कर देते हैं तो उन्हें उठा के जेल में फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरह से कंपनियों को ईडी और सीबीआई के माध्यम से डरा के, धमका के, उन पे केस करके उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से हजारों करोड़ की उगाही करी है भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। ये आने वाले पूरे देश में होने वाले चुनाव को अफेक्ट करने का तरीका है, विपक्ष को खत्म करने का तरीका है।